गुड मॉर्निंग सर, आज हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक पे आपको बात कर रहे हैं, जो सबसे बड़ा आज के डेट में क्या है कि आज डायबिटीज आज घर घर हो गया। डायबिटीज मेन होने का मेन रीजन क्या है? मेन रीजन है खान पान। आज हम लोग का जो खान पान जो दूषित हो चुका है उसके चलते डायबिटीज होता था। डायबिटीज देखने को सबसे ज़्यादा मिलता था शहर में, अब धीरे धीरे क्या है कि गाँव सब में भी आना शुरू हो गया। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है कि आज जो भी डायबिटीज का जो पेशेंट है, कहीं पर भी अगर हम लोग इलाज कराने के लिए जाते हैं, डॉक्टर एक ही वर्ड कहता है कि जब तक आपका डायबिटीज है तब तक आप टैबलेट खाते रहिए, इसको मेंटेनेंस करते रहिए। क्या है कि आज के डेट में एक ऐसा मैसेज दिया जाता है कि डायबिटीज वाला कभी जड़ से ख़त्म नहीं हो सकता। मज आज जो आयुर्वेद, आज जो इंडिया जो प्राचीन काल से सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ चलने वाला था, ये क्या था? आयुर्वेद। आज हम लोग आयुर्वेद पर विश्वास नहीं करते हैं सर जी। आज हम एक आयुर्वेद के जो डिएक्शन जो कंपनी के माध्यम से हम आयुर्वेद का आपको जानकारी देना चाहेंगे कि आयुर्वेद के माध्यम से किसी भी बीमारी को जड़ से ख़त्म आप कर सकते हैं। हम लोग का प्रोडक्ट जो भी है तो ये क्या है, गेनोडर्मा बेस्ड प्रोडक्ट है। गेनोडर्मा जिसको हम लोग मशरूम के नाम से भी जानते हैं। अभी आज के डेट में जैसे गाँव घर में जो गोबर पे उग जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, गोबर छत्ता भी कहते हैं। अब गोबर छत्ता पे देखते होंगे, गोबर पे जो उगता है उजला उगता है, धीरे धीरे क्या हो जाता है, काला हो जाता है। तो ये हवा पानी और भोजन के माध्यम से कचरा को एक्सर अपने ओर क्या करता है, घींच लेता है। तो डॉक्टर लिम इसी पे रिसर्च के आखिर ये गोबर छत्ता उजला से काला क्यों हो जाता है, क्योंकि ये कचरा को एब्जॉर्व कर सकता है। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, खाना के माध्यम से कचरा जा रहा है, पानी के माध्यम से कचरा जा रहा है और भोजन के माध्यम से कचरा जा रहा है। ये कचरा जाके क्या कर रहा है कि जब हम लोग खाते पीते हैं तो ये क्या करता है कि डायबिटीज वाला क्या होता है, जहाँ से पेन क्रियाज बनता है, ये पेन क्रियाज को जाके क्या करता है, धीरे धीरे डैमेज कर देता है, जिसके चलते क्या होता है, इंसुलिन नहीं बन पाता है। ये जो गेनोडर्मा है, अगर ये कचरे को एब्जॉर्ब कर लेगा अपने तरफ, अगर कचरा को एब्जॉर्ब करने का अगर क्षमता है, इसी का सत्व क्या है, हम लोग का ये कॉफ़ी में मिलाया गया। ये डिएक्शन गेनोडर्मा बेस क्या है, कॉफ़ी है। इस कॉफ़ी को आपको क्या करना है, अगर आप गर्म पानी में एक शीशा वाला गिलास में एक कॉफ़ी को आपको क्या करना है, चार बार बनाना है। इसको क्या करना है, जब ये कॉफ़ी के साथ क्या आप आपके शरीर में कौन चीज़ जा रहा है, ये गेनोडर्मा जा रहा है। जब ये आपके शरीर में ये गेनोडर्मा जाएगा तो इसका काम क्या है, कचरा को एब्जॉर्ब करना है। धीरे धीरे क्या करेगा, जो भी आपका पेन क्रियाज में कचरा लगा हुआ तो धीरे धीरे क्या करेगा, कचरा को आपको साफ करेगा। जब ये वहाँ कचरा साफ होगा तो क्या होगा, आपका शरीर में कमजोरी आएगा। कमजोरी के लिए क्या है कि आज के डेट में क्या है, ये है 100% समुद्री काज, जिसको हेल और कछुआ खा के आज हजार हजार वर्ष जिंदा रहते हैं। ये आपका कॉफ़ी क्या किया कि ये आपका कचरा शरीर से साफ कर दिया। और ये क्या है, स्पायरुलिना, ये 100% समुद्री का ही, अगर इसको दो सुबह और दो शाम लेते हैं, इसमें क्या है कि जितने तरह का न्यूट्रिशन है शरीर में, प्रोटीन विटामिन मिनरल्स जो चाहिए ये आपके शरीर में मिल जाएगा। ये शरीर से जैसे आपका पेनक्रियाज को आपको साफ कर दिया, और ये शरीर में क्या किया, जो पोषक तत्व जैसे हीमोग्लोबिन, आज 90% बॉडी में क्या है कि हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है, मज ये डायरेक्ट क्या करता है, ब्लड आपको बनाने का काम करता है। तो आदमी दो ही कारण से बीमार होता है, एक शरीर में कचरा जाने से, एक पोषक तत्व की कमी से। आप ये जो गेनोडर्मा बेस्ड कॉफ़ी पियेंगे तो ये शरीर से क्या करेगा, कचरा को साफ कर देगा और ये आपको क्या करेगा, पोषक तत्व देगा। तो जो भी डायबिटीज का पेशेंट है, सबसे हम आग्रह करना चाहेंगे कि आप इस कॉफ़ी को और ये स्पायरुलिना को मिनिमम आप क्या करिए कि 90 दिन, 3 महीना का ये कोर्स है, इसको 3 महीना क्या करना, आपको उपयोग करना। फिर जो अंग्रेजी दवा, जिसको अगर ज़्यादा है तो अंग्रेजी दवा के साथ भी ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग का दवा नहीं है, ये टोटल क्या है, फूड सप्लीमेंट है। अगर इसको आप मिनिमम 3 महीना लेते हैं, 3 महीना के फिर आप अपना डायबिटीज लेवल चेक करिए, धीरे धीरे अगर डायबिटीज लेवल कम हो रहा है इस प्रोडक्ट को लगातार कितना दिन, आपको 6 महीना खाना। 6 महीना के बाद क्या होगा, अगर आपका डायबिटीज लेवल अगर कम जाता है, कम से कम मेरा क्या है, कम से कम आप जैसे चाय कॉफ़ी उपयोग करते हैं, मेरा कॉफ़ी उपयोग करते रहिएगा, लाइफ में कभी आपको डायबिटीज होगा नहीं। साथ में हम लोग का बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट है गिलोय। गिलोय क्या होता है, जो रक्त को भी आपको साफ करता है, नहीं समझे किसी तरह का आपका है, तो इसमें क्या है कि 1 गिलो सुबह और 1 गिलो शाम लीजिए, तो डायबिटीज में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। ज़्यादा हम वीडियो को बड़ा नहीं बनाएंगे, क्योंकि बड़ा बनने से क्या होता है कि हम आप इतना टाइम नहीं है इस चीज़ को समझेंगे। हम आप लोग से यही आग्रह करेंगे कि अंग्रेजी दवा में मत फंसिए। अगर अंग्रेजी दवा क्या है, इमरजेंसी ड्रग है, हम ये नहीं कर रहे हैं डायबिटीज आपका है तो अंग्रेजी दवा नहीं खाइए, मैं इसका परमानेंट सोल्यूशन खोजिए। आखिर भैया परमानेंट सोल्यूशन कहाँ से होगा, मैं एक आयुर्वेद जो आज ये आप ये कॉफ़ी के माध्यम से, गेनोडर्मा कॉफ़ी और ये स्पायरुलिना के माध्यम से आपका डायबिटीज जड़ से ख़त्म हो सकता है। मेरा ये वीडियो बनाने का नहीं है किसी को हर्ट देना, अगर इसके बारे में आपको अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो हम अपना नंबर भी आपको डाल देंगे, अगर किसी को अगर ज़रूरत हो, क्योंकि ये प्रोडक्ट क्या है, कोई
आम प्रोडक्ट नहीं है, ये क्या है कि मार्केट से खास प्रोडक्ट है। हम हर एक आदमी को चाहेंगे इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लीजिए, और जो भी डायबिटीज का जो पेशेंट है उससे हम आग्रह करेंगे इस वीडियो को देखते हैं तो आप इस कई नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी आप हमको कर सकते हैं। ठीक है, ओके।